एक अपना किक ड्रम और एक अपना स्नेयर, अपनी हाई हार्ट्स भी प्रोग्राम करते हैं। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी लोगों के माइंड में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत सारी मेलोडीज होंगी, बहुत सारी बीट्स होंगी, लेकिन आपको उसको सॉफ्टवेयर में उतारने में स्ट्रगल हो रही है। तो सबसे पहले अगर मैं एक क्रेजी टूल आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि कैसे आप अपने आइडिया को सॉफ्टवेयर में उतार सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला प्लगइन चाहिए, वोकलिया का डबलर 2। तो इसको यूज करने के लिए आपके पास एक डायनेमिक माइक्रोफोन होना जरूरी है, क्योंकि डायनेमिक माइक्रोफोन के साथ काफी सही रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने साथ एक माइक कनेक्ट करके रखा है, इसलिए ये आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी पिच आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड मैं इवन यहाँ पे एक स्केल डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं वो किस स्केल में फॉल करें। लेकिन ये जो पिच वाला सेक्शन है, इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ ये ट्रिगर वाला सेक्शन डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि हेल्प करेगा हमारे माइंड में जो आइडिया है, हमारे माइंड में जो बीट है, उसको सॉफ्टवेयर में उतारने में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक बेस ड्रम यानी कि जो किक का सैंपल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो चुका है, और हम यहाँ पे अपनी टेक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट हमें वो साउंड को रिकॉर्ड करना है जो कि इस ट्रिगर की तरह एक्ट करेगा। इसको देखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी स्कूल में अपनी डेस्क पे एक बीट बनाई होगी। सो वही सेम फंडे को मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक बेसिक बीट बनाऊंगा अपनी टेबल पे, अपनी जो डेस्क है उस पे, और यहाँ पे मैं दो टाइप के साउंड यूज करूंगा, एक अपना किक ड्रम और एक अपना स्नेयर। और हम लोग क्या करेंगे, इन साउंड्स को हम लोग ट्रिगर कर देंगे, इन साउंड्स को हम लोग सॉफ्टवेयर को बता देंगे। वो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड टेक्स पे क्लिक करते हैं एंड अपना जो किक ड्रम है उसको बजाएंगे। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसने 12 टेक्स रिकॉर्ड कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो आपके साउंड में। तो ये वो चीज भी मेक श्योर करता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह का कुछ बजाऊंगा, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, आपका किक ड्रम प्ले होगा। और यहीं पे वेलोसिटी रिस्पॉन्सिव जो है, इसको आप लोग टिक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप तेज हिट करें तो ये तेज किक बजाए और धीरे हिट करें तो धीरे किक बजाए। इसी के साथ साथ एक स्नेयर लेते हैं और स्नेयर का जो ट्रिगर है वो भी इसको समझाते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने किक और स्नेयर को ट्रिगर करता हूं एंड लेट्स सी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग चले जाएंगे प्ले टैब में, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इस ग्रूव को अब प्ले करने वाले हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब जो आपकी टेबल है वो एक्चुअल में एक बीट मशीन बन चुकी है, और जो भी आप लोग अपनी टेबल पे करेंगे वो सिंपली वहां पे ट्रिगर कर देगा, और उसको आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा एक्चुअल में जो ट्रिगर फंक्शन है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है बीट बॉक्सिंग वाले लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप 8 साउंड्स को ट्रिगर कर सकते हैं, एंड क्योंकि मेरे हाथ दो हैं इसलिए मैं दो ही साउंड्स को ट्रिगर कर पा रहा हूँ। बट अगर आप बीट बॉक्सर्स को देखें तो वो किक, स्नेयर, हाई हैट, टॉम्स, काफी सारी चीजों को एक साथ प्ले करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए। तो इसको एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं, उसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट खोल लूंगा। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरी 808 फ्लेक्स ड्रम किट है, यहाँ पे मैंने अपने मिडी इनपुट में डबलर 2 सिलेक्ट किया हुआ है। दैट इज द रीजन मेरे जो डबलर 2 की स्टैंड अलोन एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे साउंड भेज पा रही है, और हम इस ड्रम किट की साउंड सुन पा रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू मेक अ ग्रूव, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा मिडी यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है। अब यहीं पे एक छोटी सी फन चीज करते हैं, अपनी हाई हार्ट्स भी प्रोग्राम करते हैं लेकिन ट्रिगर को यूज करके। तो हाई हार्ट्स के लिए मैं एक अलग सी टोन दूंगा, जो कि सिंपली होगी मेरे टेबल पे मैं इस तरह से हिट करूंगा। सो इसको रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे जो वेलोसिटी रिस्पॉन्स है इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ताकि मेरी हाई हार्ट सेम लेवल पे रिकॉर्ड हो, सेम वेलोसिटी के साथ रिकॉर्ड हो। So let's listen to it. और अब अगर मैं आप लोगों के साथ एक और तरीका शेयर करूं यही सेम चीज करने का, तो ये वाली जो टेक्निक है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने एकेडमी स्टूडेंट्स के साथ। तो इस वक्त मेरे माइंड में जो बीट है वो कुछ इस तरह की आ रही है, धुक टाक धुक, धुक टाक धुक टाक धुक। So let's see कि कैसे हम लोग इस बीट को प्रोग्राम करेंगे सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेम्पो फिगर आउट करना है, एक बीपीएम फिगर आउट करना है। तो सॉफ्टवेयर के क्लिक के साथ एक बार अपनी बीट को गुनगुना के देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ा सा फास्ट है, तो थोड़ा सा बीपीएम कम करते हैं।
ओके साउंड्स परफेक्ट टू मी. सिंपली हम लोग कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे. इन माय केस मैंने एक पियानो ले लिया यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. और एक्चुअल में इस चीज को करने के लिए आपको एक मिडी की भी जरूरत नहीं है. अपने म्यूजिकल टाइपिंग को ऑन कर दीजिए एंड सिंपली आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से एक्चुअली इस पियानो को प्ले कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं किसी भी एक नोट को पकड़ता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल ये जो ए आपको दिख रहा है बेसिकली ये सी नोट है, और जिस पैटर्न में हमारी बीट चल रही है उस पैटर्न में इसको प्ले करते हैं. All right, so I think third और fourth ज़्यादा precise थे मेरे idea के, तो मैं एक काम करता हूँ. Third और fourth pattern को हम लोग ले लेते हैं. इसको सबसे पहले यहाँ पे place करते हैं, loop पे लगाते हैं and सबसे पहले अपने keys को quantize कर देते हैं and एक बार सुन के देखते हैं. वेरी नाइस nice. हमारी जो किक थी बस वन काउंट पे वो गायब हो गई है, तो उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से. राइट, क्या बात है. अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप है, एक्चुअल में हमें क्या करना है, इस ट्रैक को करना है डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किक और स्नेयर को प्ले कर रहे थे. तो पहले वाले को नाम दे देंगे किक और सेकंड वाले को नाम दे देंगे स्नेयर. और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां हमारी किक आ रही है उसके अलावा जो बाकी नोट्स हैं उनको डिलीट कर देंगे. और ये जो डबल नोट है ये एक्चुअली यहाँ पे इसलिए ऐड हो गया है क्योंकि जो पैटर्न था उसको मैं कुछ इस तरह से बोल रहा था, दुक तक दुक दुक तक दुक. तो ये जो क वाला फिलर है, ये जो गोस्ट नोट है, ये यहाँ पे आ गया है. तो इनकेस अगर हमें इसे हटाना है हम इसे हटा सकते हैं सिंपली. तो बहुत सिंपल बीट बन जाएगी हमारी. इन द सेम वे जो हमारा स्नेयर वाला ट्रैक है उसके अंदर सिर्फ स्नेयर को रखते हैं और किक्स को हटा देते हैं. और एक बार सुन के देखते हैं दोनों को एक साथ, क्या वो पैटर्न जा रहा है सही. और अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है इन दोनों ट्रैक्स को अपनी अपनी साउंड दे देना. ऑल राइट, ये जो साउंड है ये किक कम और टॉम ज्यादा सुनाई दे रही है, तो उसको हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, सिंपली इसका ऑक्टेव डाउन कर देंगे. सो ये C3 पे है फिलहाल, इसको नीचे लाके देखते हैं और नीचे लाके देखते हैं C1 पे. क्या बात है, नाइस. ये वाली किक लेते हैं और स्नेयर में स्नेयर का एक सैंपल डालते हैं, स्नेयर का एक पैच लोड करते हैं. सेम चीज इसके लिए करते हैं, स्नेयर को थोड़ा फैट साउंड करवाने के लिए एक काम करते हैं, इसका भी ऑक्टेव लो कर देते हैं. ऑलराइट, दिस साउंड्स गुड, बट समहाउ मेरे को फीलिंग आ रही है कि हम लोग कुछ कुछ स्नेयर्स को डिफरेंट साउंड करवा सकते हैं. कुछ जगह पे ये साउंड अच्छी लग रही है, तो एक काम करते हैं इस ट्रैक को अगेन डुप्लीकेट करते हैं और कुछ जगह जहाँ पे मैं ये साउंड को रखना चाहूंगा सिर्फ उनको मैं इस ट्रैक में रखूंगा. एंड जो हमारा स्नेयर नंबर 2 है वहां पे हम लोग एक डिफरेंट साउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं. ऑलराइट, ठीक है, एक आइडिया के लिए आई थिंक ये ग्रूव सही है. अब इसको अगर आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो इसको आप लेयर कर सकते हो, इसके साथ आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक हाई हार्ट का ग्रूव इसके साथ प्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले मैं अपने माइंड में गुनगुनाऊंगा, माइंड में इमेजिन करूंगा कि हाई हार्ट्स कैसी साउंड करेंगी. ऑलराइट, आई थिंक आई लाइक दिस पैटर्न. तो मैं काम करता हूँ, अगेन इसके लिए एक इलेक्ट्रिक पियानो ले लेंगे, पियानो का पैच ले लेंगे और सेम जो मैंने पैटर्न गुनगुनाया है उसको हम लोग इसके साथ प्रोग्राम कर देंगे किसी भी एक नोट पे. नाइस, अब इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वांटाइज करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछली साउंड्स के साथ किया था. इसमें एक हाई हार्ट का पैच डाल देंगे. नाइस, एंड थोड़ा सा पिच के साथ प्ले अराउंड करते हैं हाई हैट का, ताकि थोड़ी सी ये डिफरेंट साउंड करे. स्पेशली जो स्टार्टिंग में हमने चिक चिक किया था वो चीज अलग से सुनाई देनी चाहिए. एक्चुअल में क्या है, वो चीज इसलिए अलग से हमें सुनाई नहीं दे रही बिकॉज एक्चुअल में वहां पे स्नेयर का भी हिट आ रहा है. सो हम लोग या तो ये कर सकते हैं, क्योंकि स्नेयर का हिट तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम एक्चुअली ये वाली जो हरकत है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे कहीं पे प्लेस करते हैं. वेरी नाइस, साउंड्स गुड. तो इस तरह से आपको फिगर आउट करना है कि आपके पास कहाँ पे स्पेस आ रही है आपकी बीट में एंड अकॉर्डिंगली आपको चीजों को प्रोग्राम करना है. अब इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर सकते हैं, इतना डिफरेंस एक्चुअली नहीं चाहिए. अब
सो सेम वे इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा एंड इसी तरह से आप लोग एक बेसिक ग्रूव बेसिक बीट बना सकते हैं एंड लेटर ऑन इसके अंदर लेयरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपके माइंड में एक आइडिया है, अगर आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर है, कैसे आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में उतार सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके माइंड में कोई भी अगर मेलोडी चल रही है आप उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं डबल टू की मदद से। और वो कैसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे प्ले टैब में आप लोगों को दिखा था पिच वाला कॉलम, तो इसके लिए मुझे अपना माइक्रोफोन चाहिए, तो इसको मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा ताकि मैं आप लोगों को साइड बाय साइड दिखा सकूं कि कैसे इस प्लगइन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्यून को हम करके दिखाऊंगा एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो भी नोट्स मैं निकाल रहा था अपने मुंह से, ये कहीं ना कहीं वो दिखा रहा था विजुअली मेरे को। सो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग अपनी स्केल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आप लोग किस स्केल में गाना बना रहे हैं, किस स्केल में अपनी मेलेडी गाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिंपल स्केल ले लें, मान लीजिए सी मेजर ही ले लेते हैं यहाँ पे, तो अब मैं जो भी चीज हम करूंगा, जो भी चीज बोलूंगा इनफैक्ट इसमें, तो ये उसको सी मेजर में ले आएगा। वो कैसे, और यहीं पे अगर आप लोगों को पिच बैंड चाहिए तो आप लोग सिंपली ये जो नीचे आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे एंड आपका जो पिच बैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कितने ऑक्टेव्स कितने सेमीटोन्स में आपको जंप करना है। चेक करके देखते हैं इसको। और इसके अलावा एक और क्रेजी फीचर जो इसमें है वो है ये कॉर्ड मोड। तो जैसे हम लोग कॉर्ड मोड सिलेक्ट करेंगे आप लोग एक्चुअली देख सकते हैं कि आपको कौन सी कॉर्ड शेप चाहिए एंड अगर आप लोग डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉर्ड सेक्शन में आ सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल में आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि जब मैं डी नोट गाऊं तब कौन सी कॉर्ड बजे, जब मैं एफ नोट गाऊं तो कौन सी कॉर्ड बजे। और वही चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्वैप इंडिविजुअल कॉर्ड्स, तो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग स्वैप कर सकते हैं, आपस में चेंज भी कर सकते हैं कॉर्ड्स को। तो इस फंक्शन को एक बार ट्राई आउट करके देखते हैं। Right, काफी क्रेजी। और इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को कुछ और बेसिक फंक्शंस बताऊं एक्चुअली इसके, यहाँ पे आप लोग अपने सिंथ प्रीसेट्स को भी अल्टर कर सकते हैं इनकेस अगर आप लोग इस प्लगइन की साउंड्स यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप लोग मिडी आउट सिलेक्ट कर सकते हैं इनकेस अगर आप लोग अपने डॉ से इसको भेज रहे हैं साउंड, इनकेस अगर आपने कोई वीएसटी यूज करना है। यहाँ पे छोटा सा आपके पास सीपीयू मीटर है एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि एक बहुत अमेजिंग फीचर है इस प्लगइन का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग की डिटेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी नोट्स आप लोग बजाएंगे ये उसके हिसाब से एक्चुअली आपको सजेस्टेड कीज में यहाँ पे दिखा देगा लिस्ट में कि आप कौन सा स्केल यूज कर सकते हैं, कौन सा की यूज कर सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको ट्राई करके देखें यहाँ पे, ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया है डी शार्प मेजर, तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि डी शार्प मेजर के मैंने ज्यादा नोट्स हिट किए हैं तो दैट वुड बी अ बेटर स्केल। एंड इन द सेम वे आप लोग देख सकते हैं नीचे और भी सजेशंस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी आपको स्केल कन्वीनियंट लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इसको सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अप्लाई टू करंट की। इसके अलावा कॉर्ड सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉर्ड सेक्शन में हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, प्लस ये जो वॉइसिंग आप लोग देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आप लोग विड्थ ऑल्टर कर सकते हैं। और रूट नोट बेसलाइन क्या करता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल आप सी नोट हिट कर रहे हो तो वो सी मेजर कॉर्ड तो बनाएगा लेकिन उसी के साथ साथ एक बेस नोट भी इंट्रोड्यूस कर देगा जो कि सी नोट होगा, ताकि कहीं ना कहीं आपके कॉर्ड में वजन आए, आपको थोड़ी सी और डेप्थ मिले। और फॉलो बेसिकली क्या करता है, जो भी आप लोग ऑक्टेव में गा रहे हैं ये उस ऑक्टेव को फॉलो कर देगा और उसी ऑक्टेव में कॉर्ड बजाएगा। और इसी के साथ साथ जो आखिरी फीचर इस प्लगइन का है वो है असाइन टैब। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिडी आउटपुट चैनल्स में लिखा हुआ है ट्रिगर बेसिकली 10th चैनल में राउटेड है। इन द सेम वे पिच बाय डिफॉल्ट 1 पे राउटेड है और कॉर्ड्स भी 1 पे है इनको, ऑल्दो आप चेंज भी कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ यहाँ पे इनबिल्ट ऑडियो प्रीसेट्स है, ये पिच बेंड के कंट्रोल्स है एंड यहाँ पे सीसी डायल्स एंड आउटपुट है। तो बेसिकली इन पैरामीटर्स को आप किसी भी नॉब के साथ मैप कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आ ई उ और ये जो एनवेलप है ये कैसे मेरी साउंड को फटाफट डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इनको आप लोग ईक्यू से लेके कंप्रेसर किसी भी चीज को ट्रिगर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप लोग इस प्लगइन को ट्राई करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्लगइन तो काफी खतरनाक है ना, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछ। तूने ये तो बता दिया कि अगर मेरे माइंड में एक आइडिया है उसको सॉफ्टवेयर में कैसे उतारेंगे, लेकिन अगर मेरे माइंड में कोई आइडिया ही नहीं है तो उसके लिए कोई जुगाड़ है तेरे पास?